उसके बाद से लेके आज तक सिर्फ कांग्रेस का पीछा बाबरी मस्जिद कर रही है, बीजेपी का पीछा बाबरी मस्जिद कर रही है। यही नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद का खातिल है, आज उसकी हालत आप तमाम देखे, नेकप्रेस रोड पे जंगली कुत्ते खाए उसको, खुजली वाले कुत्तों की गजा बना उन्हें। आज वही बीजेपी का एलके अडवाणी अपने सामने है, नजरों के सामने है, एक इबरत है, इबरत। उसकी पार्टी में उसकी इज्जत नहीं है, सामने से ऐसा खड़ा हुआ है, सामने से मोदी चले जाता, अमित शाह चले जाता, कोई देखता भी नहीं। ये बाबरी मस्जिद की मार है उसकी। आज बाबरी मस्जिद के हिस्से में सिर्फ इनका एक ही सहारा बाबरी मस्जिद, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, इनका सहारा सिर्फ बाबरी मस्जिद। इनका डेवलपमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नोटबंदी, मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूं, मेरे बाजू लक्ष्मण अन्ना बैठे, नोटबंदी से किसी को मुसलमान या हिंदू को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। पेट्रोल या हिंदुओं को 10 रुपए में मिल रहा, मुसलमानों को 90 रुपए में मिल रहा, वो भी नहीं। गैस है तो 1000 रुपए में मुसलमानों को मिल रही, इनको 100 रुपए मिल रही, वो भी नहीं। 15 लाख कोई इनको आए, वो भी नहीं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को तबाह करना। इनका एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। सिर्फ मैं आपसे, मैं हिंदू भाइयों से मेरे बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। मैं एक सवाल मेरा आपको, जो आज बाबरी मस्जिद के तरफ जो तमाशा हो रहा, आज जो बाबरी मस्जिद के तरफ पूरे लाखों लोग जमा हो रहे हैं, अगर इनके बनाने जाएंगे तो मुसलमान खामोश बैठेगा, मुसलमान भी ठहरेगा, दोनों मिलकर लाखों लोग लड़ लेंगे, मरेंगे, ये साले जेड सिक्योरिटी में सेफ रहेंगे ये लोग। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आप, जेड सिक्योरिटी में ये लोग सेफ रहेंगे, मरने वाले तुम और हम रहेंगे। लिहाजा ये कम्युनल पार्टियों को लात मार के निकालो, तेलंगाना से लात मार के निकालो इनको। तो मैं बताना ही चाहूँ, इतना प्रेशर कैसे आता, हम लोग 22-21 दिन रह के आए हेलीकॉप्टर में, उधर से उधर 100 किलोमीटर, उधर 50 किलोमीटर, उधर, तो जो प्रेशर है इंसान का, जो थकन है इंसान, जो खुली किताब 4.5 साल आपके सामने है, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, सरदारियों के लिए क्या किया? अब आप उससे पूछ रहे 12% पर, बीजेपी से पूछो, बैठी हुई है आपके से, तो बेच के दे दिए, बीजेपी से पीछे कुछ आया मोदी, उससे पूछो क्या है रे मोदी फाइल 12% क्या करा? आपने कहा कि आप मीडिया वाले हैं, आप पूछ सकते हैं आपका सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है टीआरएस बीजेपी के एलायंस से, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं एमआईएम का हूं, मेरे वाली थे मौसम में एमआईएम के, तो आप एमआईएम कैंडिडेट का साथ देंगे या टीआरएस कैंडिडेट का साथ देंगे? मैं तो राजेंद्र नगर हो या कौन सा भी नगर हो, मैं टीआरएस का हूं, टीआरएस के साथ। अब अकबर साहब कल बोले अपनी स्पीच में कि हम केसीआर को इस वास्ते से रखे हुए हैं, हम इसको छोड़ तो जाके ने बीजेपी के गोद में गिर गया था, उनका ये बयान, इसीलिए हम इनको पकड़ के, नहीं एक मिनट, पकड़ के रखे, अगर इन्हों निकलेंगे तो